आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सेव बनाने की रेसिपी। ये सुन सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है इनको बनाना। लास्ट टाइम जो आपके साथ वीडियो शेयर किया था गाठिया का, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, उसके बाद लेकर आई हूँ आपके लिए आज ये सेव की रेसिपी। इसको भी बनाना बहुत ही आसान है, केवल 5 मिनट में बना पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, पसंद आए तो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दिवाली स्पेशल सीरीज में जो रेसिपीज ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी तक कुछ भी मिस किया है तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जरूर देख लें। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड यू आर वॉचिंग CCC क्रिएटिव क्राफ्ट एंड कुकिंग बाय प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। दिवाली स्पेशल सीरीज चल रही है, मेक श्योर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। गिव अवे कॉन्टेस्ट है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, रूल सभी फॉलो करें। वीडियोज को लाइक करना, शेयर करना, शेयर करना इज मस्ट। आपको एटलीस्ट 4 to 5 ग्रुप्स में एक वीडियो को शेयर करना है। 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक दोनों चैनल्स पर जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं सभी को शेयर करना मस्ट है। जिनके स्क्रीनशॉट मेरी मेल आईडी पर आएंगे केवल मैं उन्हीं को चूज कर पाऊंगी। अभी तक किसी के भी नहीं आए हैं और अभी तक कोई भी विनर नहीं है, तो मेक श्योर कि आप सभी रूल्स फॉलो करें तभी विनर्स हो पाएंगे। तो देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। टेस्टी टेस्टी और क्रिस्पी कुरकुरी सेव बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन, साथ में हम इसको सीव कर लेंगे। सीव करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो डो बने बिल्कुल स्मूथ बने, उसमें बिल्कुल भी कहीं भी कोई लम्स ना हो। उसके बाद यूज़ करेंगे राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। ये मैंने लिया है 1/4 कप। चावल का आटा मिक्स कर देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब ऐड किया है हींग, थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए और इसके बाद ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आपको लगाना है इसका सॉफ्ट टू मीडियम डो, मींस ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्टिफ नहीं होना चाहिए जो डो आप बनाने वाले हैं। जो मेजरमेंट मैंने यूज़ किया है वो सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो वहां से जरूर चेकआउट कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, ज़्यादा पानी नहीं लगता है। टोटल 1/4 कप पानी लगा है और ये आटा बनकर बिल्कुल तैयार है। केवल 5 मिनट का इसको रेस्ट देंगे, जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक हम कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी इस वाली जाली का, और ये वाली मशीन मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी। एक इस तरीके की आती है और एक इस तरीके की आती है, तो मेरे पास जो सेकेंड वाली है वो है। इसको पहले मैं अच्छे से ग्रीस करूँगी। इसको ग्रीस करने के लिए आप इसको नीचे से और ऊपर से ओपन कर लीजिए, उसके बाद जो भी जाली यानी कि जो भी सांचा आपको लगाना है वो इसमें फिट कर लीजिए। ग्रीस करना इसलिए ज़रूरी है, मींस ऑयलिंग करनी इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी डो आप इसमें ऐड करें वो इजीली बाहर आ सके। सबसे पहले हाथ में हल्की सी ऑयलिंग करेंगे और डो को स्मूथ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसको देंगे सिलेंड्रिकल शेप, क्योंकि हमारा सांचा सिलेंड्रिकल शेप का है। इसको कुछ इस तरीके से फिट करना है, बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद जो हमारा सांचा है यानी कि जो हमारा सेव मेकर है उसको इस तरीके से फिट कर लीजिए। ये जो सेव मेकर है ना, इसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली ये बना पाएंगे। इस तरीके से प्रेस किया तो ये देखिए सेव निकलने स्टार्ट हो गए, तो कितना इजी है ना इस मशीन से बनाना। इस मशीन से मैं आपको 4 से 5 रेसिपीज देने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ, तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। जब आप मेकर से इस तरीके से सेव तोड़ें तो फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, अदरवाइज ये सेव टूट भी सकते हैं। और स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो हो सकता है कि आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाए, मींस स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा स्पीड नहीं बनती है, तो इसलिए फ्लेम बिल्कुल लो रखें और हो सके तो जो हमारी छोटी वाली फ्लेम होती है उस पर रखें ताकि ये सेव जले नहीं। उसके बाद आपको फ्लेम को मीडियम कर देना है, मीडियम फ्लेम पर आपको इसे पकाना है। स्पून की हेल्प से इसको टर्न कर दीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा एक लच्छा सा बन जाता है ना, तो इसलिए स्पून से करना इजी हो जाएगा। स्पून से या फिर फोक से कर सकते हैं, और देखते ही देखते ये कढ़ाई में ही क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि एकदम से हार्ड होना स्टार्ट हो गए, लेकिन ये वैसे वाले हार्ड नहीं है कि आपके मुंह में चुभेंगे जाकर, केवल क्रिस्पी वाले। तो अब मैं बस इसको इस तरीके से टर्न करूंगी और 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा आ गया है, क्रिस्पी हो गए। तो बस यही तो चाहिए था, बस बनकर तैयार हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर ताकि इसका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सब कुछ एब्जॉर्व हो जाए।
और दूसरा बैच है तो उसको फ्राई होने के लिए ऐड कर दीजिए। इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रखिए एंड जस्ट लिसन द क्रिस्प। इतना इजी होता है इसको बनाना और कितने क्रिस्पी बने हैं। इसको अपने हाथों से आप छोटे बड़े किसी भी साइज में तोड़ सकते हैं। उसके बाद सर्व कीजिए। दिवाली पर इस टाइप की चीज़ें जब आप बनाकर खिलाएंगे ना, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये मार्केट के हैं या घर के हैं। मेरे हस्बैंड तो नहीं पहचान पाए। कल मैंने सब चीज़ें बनाकर रखी थी तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कहाँ से आ गए इतनी सारी चीज़ें। देन आई टोल्ड हिम दैट इट इज़ ऑल होममेड। तो फिर टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप भी अपने घर में सबको बनाकर खिलाइए, सबको सरप्राइज कीजिए जैसे कि मैंने सबको सरप्राइज किया है। और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और कौन कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में वीडियो रिमांड डाल सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। एंड यस, जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद ही आपको इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर स्टोर करना है। 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं, खराब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दिवाली के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए यार, उस टाइम पर कहाँ टाइम होता है। तो बनाइए इनको और बहुत ही झटपट बन जाते हैं, केवल 5 से 7 मिनट लगते हैं। ट्राई जरूर करना।